हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग महेश मंडवाल जी की बुक से प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि ज्योग्राफी की थी, और इसमें हम लोग अब लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग लेसन 3 तक कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 4 है जीवमंडल। जीवमंडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी हेली राष्ट्रीय उद्यान, डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। जिसमें से ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम बात करेंगे तो हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उत्तराखंड, उस समय 1936 में जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही स्टेट था, वो बाद में उत्तराखंड काट के बना दिया गया है, अब वर्तमान में वो उत्तराखंड में है, जो कि चमोली ज़िले में स्थापित किया गया है। यह उद्यान रामगंगा नदी की पाटली दून घाटी में 13.18.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वर्तमान में इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जो कि 1973 में बाघ आरक्षित क्षेत्र हुआ था। और अगर हम कहें जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान नाम नहीं है, जिसको अब फिर से चेंज कर दिया गया है, इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि उस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण संबंधित है, ए ऑप्शन नेशनल पार्क, बी जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र, मतलब जो रिजर्व एरिया होता है वो, और वन्य जीव, सी ऑप्शन वन्य प्राणी अभयारण्य, डी पक्षी अभयारण्य। बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, जीव मंडल निश्चय यानी कि आरक्षित क्षेत्र। और जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। मतलब आरक्षित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो कि एक गवर्नमेंट के थ्रू उसके अंडर में होता है, वो लोग खुद इसको प्रोटेक्ट करवाते हैं जीवों के लिए। संरक्षित जीवमंडल के विश्व नेटवर्क वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भारत के 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 11 को शामिल किया गया है। भारत में टोटल 18 हैं, जिसमें से 11 को शामिल कर लिया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार है, नीलगिरी जो है ये पहला है, तमिलनाडु और केरल व कर्नाटक में फैला हुआ है नीलगिरी, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नोक्रेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा, अचानकमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगस्त्यमलाई केरल व तमिलनाडु एवं कंचनजंगा सिक्किम, ये 11 आरक्षित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जयो आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है।
वन्य जीव अभयारण्य में समिति मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन थ्री तक हुआ है, जिसमें से ऑप्शन डी दिए हुए हैं। 1, 2, 3 डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों ऑप्शन सही हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, जबकि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंदर की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा इस अधिनियम से ही परिभाषित होती है, जिसे सीमाओं को यानी कि जिसे संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला जा सकता है। जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र होता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में चराई और गौ पशुओं की आने जाने की अनुमति होती है। जैव आरक्षित क्षेत्र वो होती है जहाँ पे मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र होता है, जहाँ पे मानव को भी हस्तक्षेप करने की आज्ञा नहीं होती है, वहाँ पे आप जा नहीं सकते हैं, इन सब चीज़ों के अलाउ नहीं है, वो एक नेचुरल एरिया होता है। और जो वन्य जीव होता है वहाँ पे आप अपने पशुओं को लेकर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी कर्नाटक, सी मिजोरम, डी ओडिशा। सी ऑप्शन इज राइट, मिजोरम। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव है और ओडिशा में तो एक सिमलीपाल है, मिजोरम में है दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में है। असम में तो आपको पता होगा पेरियार है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी MP, सी गुजरात, डी झारखंड। बी ऑप्शन राइट आंसर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है MP में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान MP राज्य के उमरिया जिले में स्थित है और वर्ष 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ सफ़ेद बाघ तथा तेंदुए भी पाए जाते हैं। और आपको पता होगा MP में कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, जहाँ पे नामीबिया से टाइगर को चीता लाए गए हैं, जो MP में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, पटना। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। विलियम रॉक्सबर्ग ने इसकी स्थापना 1795 में की है।
वनस्पति संग्रहालय सबसे बड़ा कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 7, सरिस्का और रणथंभौर निम्न में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, हिरण का, बाघ का, भालू का। सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क को वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। राजस्थान में चंबल नदी प्रवाहित होती है और रणथंभौर सरिस्का जो है राजस्थान में ही है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? ए गिर या गुजरात, काजीरंगा असम, सी रणथंभौर राजस्थान, डी जिम कार्बेट उत्तराखंड। बी ऑप्शन राइट आंसर। वन हॉर्न राइनो मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक वास स्थल है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। रणथंभौर जो है टाइगर के लिए राजस्थान में है और जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिसको अब राम गंगा के नाम से जानते हैं, ये उत्तराखंड में है। ये पहला टाइगर रिजर्व है। और गिरी गुजरात, जो गिरी गुजरात है यहाँ पे जंगली गधों के लिए फेमस है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। निम्न में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आरक्षित हुआ है? पूर्वी घाट, बी गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, सी पश्चिमी घाट, डी मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन राइट आंसर, पश्चिमी घाट। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम तटीय मैदान शामिल है। पश्चिमी घाट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। केरल राज्य के इडुक्की, कोट्टायम, पथनमथिट्टा जिले में स्थित है। इसे 1982 में स्थापित किया गया था।
मानस वन्य जीव अभयारण्य राज्य में स्थित है, यानी कि आपको स्टेट बताना है किस राज्य में स्थित है। ए तमिलनाडु, बी असम, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। तो असम जो है मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में स्थित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित या भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसा पाए जाते हैं असम में। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी गुजरात, सी जम्मू कश्मीर, डी कर्नाटक। गिरी जंगल जो है गुजरात में है, जो एशियाई शेर और जंगली गधों के लिए फेमस है। इसे वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। यह शेरों के प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ रेड हेडेड गिद्ध, चीतल, बृहद वायसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है बंगाल में है, जो कि सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। क्वेश्चन नंबर 16, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। मेलाघाट टाइगर अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे 1985 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा श्रेणी में तापी नदी और गबलीगढ़ पहाड़ियों इसकी सीमा गबलीगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमाएं बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दांडेली जो है कर्नाटक में है। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। यह अभयारण्य को वर्ष 2006 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान या सिक्किम। सिक्किम राइट आंसर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं,
सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहर आदि वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे निवास करते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो पता ही होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। इसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एवं सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालयन, मध्य हिमालयन। पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।